इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये मान लीजिए एक सिंपल पेंडुलम है और ये जो स्ट्रिंग है ये मेटल स्ट्रिंग है, मेटल स्ट्रिंग है, तो इसका इसकी लेंथ कितना है एल नॉट। तो टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है बच्चों, 2 पाई अंडर रूट एल नॉट बाई जी। तो आप जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एल नॉट बढ़ेगा ना, लंबाई, ये लंबाई बढ़ गई तो टाइम पीरियड में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, यानी टाइम पीरियड बढ़ाने से स्लो चलेगा। तो घड़ी फास्ट चलेगी कि स्लो, स्लो हो जाएगी, इट विल लूज टाइम। जब घड़ी स्लो हो जाती है तो इट लूज टाइम, और जब घड़ी फास्ट चलती है तो इट गेन टाइम, आगे आगे आ जाता है ना, उसके बाद टाइम मिल जाता है, बच जाता है। जैसे दो एथलीट दौड़ रहे हों तो जो जल्दी पहुंच जाएगा वो पीछे वाले आदमी के कंपेयर में उसके बाद टाइम थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा बच गया, तो वो उसको कहेंगे गेन टाइम। और जो पीछे रह गया, कोई निर्धारित टाइम से ज़्यादा टाइम ले लिया, तो वो लूज टाइम हो गया। तो बोलते हैं वॉच ने टाइम लूज किया कि वॉच ने टाइम गेन किया। तो क्या आप दिमाग रखिएगा, जब स्लो चलती है तो टाइम लूज करती है और जब फास्ट चलती है तो टाइम गेन करती है, एक बात याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ ये टेम्परेचर बढ़ाने पे सिंपल पेंडुलम का लेंथ बढ़ गया, टाइम पीरियड बढ़ गया, तो टाइम क्या हुआ, लूज की लूज हो गया, ठीक। तो ये किस टेम्परेचर पे है, मान लीजिए एट टेम्परेचर टी था अभी ऊपर वाला, अच्छा नया टेम्परेचर पे होगा टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी हो गया एट टेम्परेचर टी प्लस डेल्टा टी। तो ये इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, ये इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए, अब 2 1 में डिवाइड कर दीजिए, टी अपॉन टी नॉट कितना होगा 2 पाई अंडर रूट जी नॉट एल नॉट बाई जी, तो ये कितना आ जाएगा एल बाई एल नॉट, एग्री, ठीक है। ये कौन सा टेम्परेचर है, अरे ये कौन सी लेंथ है, किस टेम्परेचर पे, टी पे, ऊपर वाला कितने पे है टी प्लस डेल्टा टी पे। तो हम लोग क्या फार्मूला पढ़े हैं इसका, एल नॉट 1 प्लस टी अपॉन क्या चीज एल नॉट, कट गया एल नॉट, क्या बचेगा पावर कितना, ये किसकी वैल्यू आ गई है टी बाय इनिशियल टाइम पीरियड फाइनल टाइम पीरियड। ये अल्फा बहुत छोटा है तो फिर बाइनोमियल लगा दें, क्या लिखेंगे, ये किसकी वैल्यू आ गई टी बाई टी नॉट की। अब एक चीज बताओ, टी और टी नॉट में बड़ा कौन तुमने कहा था, कैपिटल टी को, ये वाले को टाइम बढ़ गया ना है, अच्छा जब इसको ऐसे लिखो तो टी बाई टी नॉट माइनस 1, ये माइनस 1 उधर चला गया, 1 इधर चला गया, क्या बचेगा, ठीक है। ये डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, ये बताओ इसको ऐसे लिखें, बताओ ये क्या दे रहा है, ठीक है। अब ये बताओ क्या दिया, इनिशियल टाइम पीरियड और ये चेंज इन टाइम पीरियड, अब 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड आ जाएगा, अगर दोनों तरफ 100, ये फ्रैक्शनल चेंज है, क्या चीज है, फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड। अब बात सुनो, जैसे कहे अब तुम्हें इसमें सवाल कैसे कैसे बनेगा, सुन लो, आपको कहेगा कि एक सिंपल पेंडुलम है, उसके जो रस्सी है मेटल स्ट्रिंग उसका अल्फा दिया रहेगा और चेंज इन टेम्परेचर देगा, कभी कहेगा 20 डिग्री सेल्सियस पे करेक्ट टाइम है तो 30 डिग्री हो गया, तो 20 से 30 हुआ अगर तो डेल्टा टी 10 हो गया, तो ये दोनों वैल्यू दे देगी, मल्टीप्लाई कर देगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या दे देगा, परसेंटेज चेंज कितना टाइम पीरियड होगा। दूसरी बात, एक बात और पूछेगा, कहेगा दूसरा सवाल ऐसे ही पूछेगा कि अगर फ्रैक्शनल चेंज जा गया सब कुछ, कहेगा 24 घंटे में कितना सेकेंड ये लूज करेगा टाइम, 24 घंटे में, तो इस टी नॉट को ना 24 घंटा रख लो,
ये डेल्टा टी कितने से कितने टाइम पीरियड में चेंज आया है टी नॉट में, तो सोचो अगर ये 24 घंटा होता बाय द वे तो ये कितना चेंज होता। ऐसे सोच लो, इसको 24 रखे, चेंज निकाल लो कितने सेकंड आएगा, तो माइनस कर निकल जाएगा सब कुछ। नहीं समझा? तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। तो अ पेंडुलम क्लॉक हैविंग कॉपर रॉड कीप्स करेक्ट टाइम एट 20 डिग्री सेल्सियस, इट गेन 15 सेकेंड पर डे इफ कूल टू 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंसर फॉर कॉपर। क्वेश्चन हम लोग का फार्मूला है डेल्टा टी बाई टी इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा टी। ये कितने सेकेंड आया है, 15 सेकेंड गेन कर रहा है, कितने देर में, वन डे में। वन डे में कितने सेकेंड होता है, 24 घंटा 60 गुड़े 60, इतने सेकेंड में इतना सेकेंड गेन किया इक्वल टू हाफ अल्फा, और टेम्परेचर में कितना चेंज है 20 डिग्री सेल्सियस। इसको सॉल्व करना है, बस सॉल्व करेंगे ये तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1.73 10 टू माइनस 5 पर डिग्री सेल्सियस।